तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास में एक सिक्योरिटी कैमरा रखा है जिसका नाम है V380 Pro। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस कैमरे को अपने ब्रॉडबैंड से या अपने इंटरनेट कनेक्शन से कैसे कॉन्फ़िगर करें जिससे आप मोबाइल पर इसका लाइव व्यू देख पाएं। तो बने रहिए चैनल पर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मेरा कोई टेक वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए, और वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इस कैमरे के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। ये कैमरा 360 डिग्री पर मूव करता है, आप देख लीजिए ऐसे 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 मूव करता है, ठीक है, और ये ऐसे भी मूव करता है। जब आप इस सिक्योरिटी कैमरा को अपने मोबाइल से कॉन्फ़िगर कर दोगे तो उसके बाद आप ये मूवमेंट अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो। ये पोर्ट आपको दिख रहा है, ये इसका लैन पोर्ट है। अगर आप इसको डायरेक्ट केबल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं इंटरनेट से तो आप इस पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो बटन है ये बटन रीसेट का, जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो इस बटन को 5 सेकंड के लिए आप दबाइए तो उसके बाद में आपका ये कैमरा रीसेट हो जाएगा। और ये जो तीसरा पोर्ट है ये चार्जिंग पोर्ट है, इसके साथ में आपको इसको लगातार चार्ज करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको चार्जर भी मिलेगा, केबल भी मिलेगी, आपको इसको कनेक्ट करके रखना पड़ेगा लगातार रिकॉर्डिंग के लिए। और साथ यहाँ पर मिलेगा आपको मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने का स्लॉट। और ये जो आप डंडे देख रहे हैं ये इसके सिग्नल के बूस्टर हैं। जो मैंने टेस्ट किया इससे आप अपने वाईफाई को लगभग 15 मीटर की दूरी तक कनेक्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं इसको मोबाइल से कॉन्फ़िगर करने के बारे में। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल में एक V380 Pro करके एक प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं इसके सेटअप के बारे में। सबसे पहले इसको आप चार्जिंग से लगाइए, उसके बाद इस बटन को 5 सेकंड तक दबाइए, उसके बाद वॉइस प्रमोट होगा। रीसेट होने के दौरान आपके कैमरा से 2-3 बार वॉइस नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि सिस्टम रेडी है, ये है वो है, और सबसे लास्ट में बोला जाएगा एक्सेस पॉइंट इज़ रेडी। जब एक्सेस पॉइंट रेडी हो जाएगा तब आपको अपने मोबाइल पर जाना है, उसके बाद V380 Pro करके ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप इस ऐप को खोलोगे इसके बाद आपको एक ऐड नज़र आएगी, उस ऐड को कैंसिल कीजिए। उसके बाद इसकी मेन स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास में इसका अकाउंट नहीं है तो ये आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड वगैरह सेट करने हैं, और उसके बाद में जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन आपको नजर आएगी जिसमें ये जो एक कैमरा है ये मैं ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल कर चुका हूँ। अभी जो मेरे हाथ में कैमरा है ये मेरा दूसरा कैमरा है, इसको भी मैं अभी कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी, इसमें ऊपर लिखा हुआ ऐड और डिवाइस। आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप इस नीचे डेमो पर भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन आपको इस पर क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड डिवाइस करोगे वैसे ही आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपके सिक्योरिटी कैमरा पर ये QR कोड है, इस कोड को आपको अपने मोबाइल से स्कैन करना है। जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा क्योरिंग डिवाइस स्टेटस। अब अगली स्क्रीन पर लिखा है डिवाइस इज ऑफलाइन, प्लीज सेलेक्ट द डिवाइस टाइप अकॉर्डिंग टू योर डिवाइस। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डिवाइस कनेक्टेड टू वाईफाई। उसके बाद में ये चार ऑप्शन आपके पास में आएंगे, QR कोड कनेक्शन, AP हॉटस्पॉट्स कनेक्शन, वाईफाई स्मार्ट लिंक कनेक्शन, ऐड डिवाइस ID। इसमें आपको सेकंड नंबर जिस पर लिखा है AP हॉटस्पॉट कनेक्शन इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसके नीचे आप देखोगे लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट वॉइस एक्सेस पॉइंट रेडी, और हमारे सिक्योरिटी कैमरा पर ये वॉइस प्रॉम्प्ट आ चुका है एक्सेस पॉइंट इज रेडी, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर आपसे ये पूछेगा कि कौन सा वाईफाई आप इसे कनेक्ट करना चाहते हो, मेक श्योर कि आपका वाईफाई ऑन हो। अब यहाँ पर आप अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे ही आप वाईफाई का पासवर्ड डाल के इसको कंफर्म करेंगे तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा कनेक्ट AP स्पोर्ट। आपको कनेक्ट AP स्पोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फिर आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा, आफ्टर कनेक्टिंग टू द हॉटस्पॉट स्टार्टिंग विद MV प्लीज रिटर्न टू द V380 Pro टू कंप्लीट द डिवाइस कनेक्शन। इसको आपको कर देना I know। उसके बाद आपकी वाईफाई की सेटिंग ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपका जो सिक्योरिटी कैमरा है वो उसका एक ओपन वाईफाई शो होगा जो कि MV से स्टार्ट होगा। आपको उस पर कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद फिर से V380 ऐप पर जाना है। अब आप यहाँ पर देखें यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, डिवाइस कनेक्टिंग, ट्राई टू कीप डिवाइस क्लोज टू रूटर एंड मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अब इस प्रोसेस में आपको 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लग सकता है। उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर लिखा आएगा कंप्लीटेड, और नीचे लिखा आएगा प्लीज सेलेक्ट और एंटर योर डिवाइस नेम, लिविंग रूम, होम, ऑफिस, बेडरूम। आप ये कैमरा कहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं उसका लोकेशन को आप सेलेक्ट कर देना। अगर आप मैनुअली डालना चाहते हो तो कस्टम डिवाइस नेम आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसे फिनिश कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रूम 1 सेलेक्ट कर दिया और फिनिश कर दिया। उसके बाद में ये स्क्रीन मेरे पास में आई, ये मेरा रूम 1 डिवाइस अब यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर लिखा है डिसआर्म क्योंकि अभी मैंने इसकी सेटिंग नहीं की है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
और तभी आपके पास में एक वार्निंग आ जाएगी, प्लीज़ एट अ पासवर्ड टू योर डिवाइस फॉर बेटर प्राइवेसी। आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा ताकि कोई और व्यक्ति इस आपके कैमरा को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, आपको सेट अ पासवर्ड पे क्लिक करना है, आपका यूज़र नेम एडमिन है, उसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना। पासवर्ड कम से कम आपका 8 डिजिट का होना चाहिए, जिसके अंदर आपके नंबर्स भी होने चाहिए, कैप्स लेटर भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। वो सेट करने के बाद कंफर्म कर दीजिए। अब देखिए उसके बाद में ये डिवाइस लाइव हो चुका है। अब देखिए ये है मेरा मेन गेट, बाहर गाड़ी खड़ी है। अब मान लो मुझे इसको कैमरे की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो मैं यहाँ से कैमरे की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ इन 4 बटन से। अब मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। अब ये जो फंक्शन दे रखा है इसको प्ले और पॉज करने का है, ठीक है। दूसरा बटन इसका, अगर आप आवाज़ भी सुनना चाहते हो आप इसको स्पीकर को ऑन कर सकते हो। तीसरा, ये स्टैंडर्ड अभी डेफिनेशन में चल रहा है, अगर आप इसको HD में चलाना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करो तो ये वीडियो HD में प्ले होने लग जाएगी। ये जो बटन है आपके कितने कैमराज लगे हुए हैं ये उसके हिसाब से है। उसके बाद में नीचे स्नैपशॉट दे रखा है, अगर आपको किसी लाइव व्यू का कैप्चर करना है, उसको फोटो लेनी है, तो आप स्नैपशॉट कर सकते हो। उसके बाद रिकॉर्ड की ऑप्शन पे जाओगे तो आप लाइव व्यू को रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये जो स्पीक का बटन है बहुत ही मज़ेदार बटन है। अगर मान लो आपके गेट पर कोई अननोन पर्सन आया है, आप जानना चाहते हैं कौन है, तो आप यहाँ से स्पीक के बटन को दबाएंगे और उससे पूछेंगे आप कौन हो। वो वहाँ से जो जवाब देगा वो आपको सुनाई देगा, क्योंकि आपके सिक्योरिटी कैमरा के अंदर स्पीकर भी है और माइक्रोफोन भी है। ये जो रिप्ले का बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगी क्लाउड की और दूसरी ऑप्शन आएगी माइक्रो एसडी कार्ड की। अगर आपने इसके अंदर मेमोरी कार्ड डाला है तो माइक्रो एसडी कार्ड पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में ये जो मूवमेंट है आप यहाँ से इसको कोई भी प्ले कर सकते हो। अब आपको मैं इस कैमरे की कुछ सेटिंग बताता हूँ जो आपको पता होनी ज़रूरी है। इन 3 बिंदी पर टच कीजिए, उसके बाद सेटिंग पर जाइए। जनरल में आप नाम चेंज कर सकते हैं, मेन गेट नेटवर्क आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, नेटवर्क आएगा। पासवर्ड सेट कर सकते हैं, डिवाइस टाइम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप डिवाइस कौन सी कंट्री का टाइम देना चाहते हैं। यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ पर डिफरेंट कंट्री होंगे, आप यहाँ से उनको टाइम दे सकते हो। फर्मवेयर वर्जन है, इस पर आपको कुछ नहीं करना क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा वाईफाई के साथ में। उसके बाद आता है अलार्म सेटिंग। अलार्म सेटिंग को आप बंद भी कर सकते हो, लेकिन अलार्म सेटिंग आपके सिक्योरिटी के लिए है तो इसको आपको हमेशा ऑन ही रखना चाहिए। उसके बाद आता है अलार्म पीरियड, इस पर टच करो और आप देखो कि अलार्म आपको कब कब चाहिए, ऑल डे चाहिए, डे टाइम में चाहिए, नाइट में चाहिए या टाइम सेटिंग। टाइम सेटिंग्स में जाकर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो टाइम पीरियड को, और अपने टाइम के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। और उसके बाद में आता है रिकॉर्डर सेटिंग। यहाँ पर मैंने कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग को ऑफ किया हुआ है और इवेंट रिकॉर्डिंग को ऑन किया है। इसका मतलब यह है कि जब भी कैमरे के सामने कोई मूवमेंट होगी कैमरा अपने आप उसको कैप्चर करने लग जाएगा, लेकिन अगर कोई गतिविधि नहीं होगी, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो कैमरा उस चीज़ को कैप्चर नहीं करेगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा। और तीसरी ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑडियो। अगर आप चाहते हो कि उसके साथ में ऑडियो भी रिकॉर्ड हो तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे ऑडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। अब वीडियो क्वालिटी आपको HD चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप HD वीडियो सेलेक्ट करते हो तो आपका मेमोरी कार्ड जल्दी भरेगा। तो दोस्तों ये तो वीडियो था आपके वायरलेस कैमरे को आपके मोबाइल से आपके वाईफाई से कन्फिगर करने के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी एक और धमाकेदार टेक वीडियोज़ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।